नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय आज की अगर बात करें तो वाह, और छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी बूंदे भी आना शुरू हो चुकी हैं। लगता है आज जमकर जो इंद्र देवता है वो बरसेंगे। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, और जहां जहां पर मौसम सुहावना हुआ है जरूर आप हमें भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस समय के दृश्य आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, जहां जहां भी मौसम क्लाउडी हुआ है या बारिश हुई आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी हमें देख रहे हैं। और शुक्र है थोड़ी उमस से राहत मिलेगी, पर धूप जब चढ़ती है ना बुरी हालत हो जाती है। आप भी समझ सकते हैं, आप भी काम काज वाले होंगे, बाहर जब जाते होंगे ये देखिए सॉरी सॉरी और साथ ही साथ मौसम भी थोड़ा ऐसा है, और इसमें जुखाम खांसी लगने के भी अंदेशा, जैसे हमें बीच बीच में खांसी हो रही है रुक रुक कर। पर फिलहाल ये दृश्य हम आपको बता रहे हैं, घनघोर बादल छाए हुए हैं। अब बादल ऊपर वाला करे कि बरस ही जाएं। बिल्कुल अंकुश गुप्ता जी, मौसम अच्छा हुआ, शुक्र है ऊपर वाले का कि मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है। और देखिए हमारा तिरंगा भी दिख रहे हैं, घरों में लोगों ने लगाए हुए हैं तिरंगे लगाए हुए हैं सबने घरों में, देखिए। और ये कहेंगे कि आज मौसम थोड़ा सुहावना हुआ है, और खास करके अगर बात करें तो नेशनल हाईवे की ओर जाते हुए आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे में आप जानते हैं लैंडस्लाइडिंग होती है, मड स्लाइडिंग होती है, जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, रास्ता बंद होगा तो आपको कई कई घंटों वेट करना पड़ेगा। तो इस मौसम में खास करके आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा। और इस मौसम में खास करके परहेज करना होगा, और जिस तरह से आप जानते हैं कई कई घंटे अगर बात करें, शुक्र है कि अभी लाइट है, जो ही थोड़ी सी दो बूंदे आएंगी लाइट भी बंद होती है, इसका भरोसा नहीं कोई भी। तो मौसम का जैसे भरोसा नहीं, इसी तरह लाइट का भी कोई भरोसा नहीं पीडीडी विभाग का। फिलहाल जहां जहां से भी जहां जहां भी बारिश हो रही है, जहां जहां भी मौसम इस तरह का हुआ है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अंकुश गुप्ता ने जी ने तो लिखा है कि मौसम बहुत अच्छा। बिल्कुल अंकुश जी, मौसम बहुत ही बढ़िया इस समय लग रहा है, हम आपको बता रहे हैं इस समय के दृश्य। और ये आप देख रहे हैं आसमान पे बादल, और एक ये चील या कौवा है जो भी, ये भी उड़ रहा है इस समय। पर फिलहाल मौसम आज अच्छा है, शुक्र है कि ऐसे ही पूरा दिन रहे तो मजा आ जाए काम करने का भी, वरना बहुत गुमा उमस और ऐसे ह्यूमिडिटी होती है, मुश्किल हो जाती है। आप लोगों के लिए भी मुश्किल है जो लोग घरों से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और हमारा काम तो ऐसा, लोग कहते हैं आप गाड़ियों में नहीं जाते, जनाब गाड़ियां हैं पर जाएं कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर में भी गनई जी बोल रहे हैं, अंकुश रश्मि दीदी गर्म पानी पियो, बिल्कुल मैं गर्म पानी पी के आई हूँ अंकुश भाई। रजिंदर रंधावा जी, आज मौसम बेईमान है। इम्तियाज अहमद जी, मौसम बहुत सुहाना है। बिल्कुल सुरेश जमाल जी, बहुत अच्छा है मौसम, बेईमान तो नहीं कह सकते, हाँ सुहाना कह सकते हैं। तो फिलहाल ये मौसम ही ऐसा है कि हमें भी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, क्योंकि मॉन्की पॉक्स जो है देश के अलग अलग जगहों से, जो यानी कि इस समय WHO की तरफ से भी चेतावनी आ चुकी है, और जम्मू कश्मीर के जो हेल्थ कमिश्नर उन्होंने भी पूरी तरह से आदेश दे दिए हैं, पहले ही वार्ड्स रखी। फिलहाल अभी तक कोई केस नहीं जम्मू कश्मीर में, ऊपर वाला करे ना ही आए। बहु फोर्ट में भी ऐसा ही है, बिल्कुल मधु माधव गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुड। तो चलिए, आप लोगों को भी राहत मिली होगी गर्मी से, कितनी उमस थी। देखिए आप बादल जो है इस समय घने घनघोर बादल है, तो लोग कहते हैं गाड़ियों में कहा जब हम गाड़ियों में जाएं कैसे, गाड़ियों वाला काम ही नहीं है हमारा, हमारा काम ही टू व्हीलर पर है, क्योंकि जब कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है, गलियों नुकड़ों में कोई प्रदर्शन होता है, किसी को जरूरत होती है, हम पहले गाड़ी ही ढूंढते रहते हैं कहाँ पे पार्किंग करें, इसलिए हमें गाड़ियों का काम ही नहीं हमारा। और शुरू से ही टू व्हीलर में आया तो गाड़ियां होते हुए भी नहीं चला पाते, क्योंकि अब काम ही हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि गाड़ियों से जनाब काम नहीं चलता। गाड़ियां हर एक के पास आज के दौर में है, गाड़ी लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, आजकल काफी सारी फाइनेंस की स्कीम्स आती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। गाड़ी को ले तो लेता है, पर गाड़ी को मेंटेन करना, उसे चलाना, उसे कहाँ पे, सबसे बड़ी आज की राम राम सोनू गोपी जी, आजकल पार्किंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, पार्किंग की है। कहीं भी अगर जाएंगे ना आप किसी के घर में, रिश्तेदार के भी घर, तो आपको पहले सोचना होगा कि पार्किंग कहाँ से ले। यासिर हुसैन खातीब जी, भदरवा ब्यूटीफुल वेदर, बिल्कुल भदरवा तो वैसे ही खूबसूरत है। माधव गोस्वामी, लव दिस मौसम। सुनील चौधरी जी, नानक नगर में भी ऐसा ही, बिल्कुल ये तो जम्मू में ऐसा ही, नहीं तो आजकल मौसम का ये गांव में कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और। रजिंदर रंधावा, सॉरी
सॉरी रणदीप सॉरी सुहावना है रश्मि दीदी, बिल्कुल बिल्कुल सुहावना ही है। और इस समय अगर बात करें मौसम भी कोई बात नहीं, मौसम का कोई पता नहीं कब नेताओं की तरह इसकी नीयत बदल जाए, क्योंकि हमने कई बार देखा कि अगर गांव में जैसे शुभम भगत आते हैं हमारे मीरा साहब से, तो वहां पर अगर बात करते हैं वहां पर बारिश हो रही होती है और यहां धूप, कभी यहां धूप होती है तो वहां बारिश, मीन्स की अलग अलग तरह के मौसम, एक ही क्षेत्र में अलग अलग तरह के मौसम हमें कहते हैं ना, रंग रंग के मौसम देखने को मिलते हुए हिसाब है। दविंदर सिंह जी भी देख रहे हैं और ये कह रहे हैं जय श्री राम। रविंदर सिंह जी, रामदास जी, राधे राधे दीदी जी, राधे राधे रामदास जी, कितने अच्छे हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं। सुबह सुबह भगवान जी का नाम भी हमें भी मौका मिल गया लेने का, ऐसे तो हर कोई लेता ही है, पर फिर चलिए अच्छा लगता है अपने लोगों से बात करके। और कहाँ कहाँ पर आपको, परवीन मनहास जी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग मैम, जय श्री राम परवीन जी, गुड मॉर्निंग। और ये चीज जरूर कहेंगे कि अब तो मौसम बड़ा हरी परिहार, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ, जय माँ मचेला वाली की। सोनू चनगोत्रा जी, बोल्ड रिपोर्टर रश्मि मैडम जी, थैंक यू सोनू भाई। सुरेश चौधरी, जय माता दी, जय माता दी जी, जो भी समय में देख रहे हैं। और आज मौसम सुहाना, एंजॉय कीजिएगा, जल्दी जल्दी काम पे जाइए और काम से जब वापस आएंगे घर में बैठ के अपने परिवार के साथ मजा लीजिएगा। इलेक्शन की कोई अपडेट सुना है कोई? जिसने भी खोज प्रश्न लिखा है प्लीज उसके बारे में मत पूछिएगा। सुरेश जमाल जी, मैम आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हो, थैंक यू सुरेश जमाल जी। राजकुमार कश्यप जी कह रहे राम 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 जी। किसी ने पूछा है कोई रिपोर्टर, प्लीज उसके बारे में हमसे मत पूछिए, व्यक्तिगत राय है किसी की, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। रामदास जी, हमारे पुरखों में भी अच्छा मौसम, अच्छी बात है। राम शर्मा जी, राम राम जी। मोहम्मद कासिम, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मोहम्मद कासिम जी। संजू भगत जी, जय माँ बाबे वाली, जय माँ बाबे वाली की। ऐसे डोगरा, जय माँ काली, जय माँ बाबे वाली, जय माता जी। राजीव गुप्ता जी, कैसे हूँ? बिल्कुल राजीव जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बस थोड़ी सी देखिए बीच बीच में खांसी हो रही है। माधव गोकुजानी, घर पर रहकर घर वालों को भी टाइम देना चाहिए, बिल्कुल। अगर ऐसा मौसम हो, कभी मौसम मिले, छोटा सा टाइम मिले, अपने परिवार को दीजिएगा। छोटू गोपी, रामगढ़ में रेन लगी है, बिल्कुल, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बूंदे हो रही है। रेणु भगत जी, जमाता दी, बिल्कुल। किसी ने पूछा यहाँ पर कि कोई इलेक्शन लड़ा, देखिए किसी का व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनका व्यक्तिगत हो सकता है, ये हम उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। एक्सिंग साहिल ठाकुर, बहुत तेज बारिश है कोटली में, फतेह में, ओके। यहाँ पर नहीं है, पर हो रही है ना, ये सिटी में है ना, यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए अभी बारिश, बादल गरज रहे हैं पर बारिश नहीं। हाँ बिल्कुल, मियाँ फतेह कोटली में तो, उस मीरा साहिब में तो बड़ी जल्दी मैंने देखा बारिश हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, और यहाँ पर धूप होती है। रामदास मैम आपकी रिपोर्टिंग में धन्यवाद। सुखवीर सिंह जी, सत श्री अकाल सर जी, सुखवीर सर सत श्री अकाल। रिंकू कुमार, गुड रिपोर्ट मैम, थैंक यू रिंकू जी। सोनू कुमार, जय कबीर जी। मोहम्मद कासिम, मेरी डोडा में भी बारिश है, ठीक है। अंकुश गुप्ता जी, जैसे हम बम बम बोले के बाद लीलाकरण इलेक्शन में उतर गए। बिल्कुल, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि इलेक्शन पता नहीं क्या चीज है। मोहित भगत जी, लोग सोचते हैं पता नहीं हमें क्या मिल जाना, हमारे अलाम में भी ड्रॉप गिरे हैं, बिल्कुल। राहुल देव जी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि हमने जो नहीं किया वो इलेक्शन में जाकर करेंगे। अरे इलेक्शन अगर अपने मतलब के लिए सोचोगे ना कि मेरे को पावर मिलेगी, मेरे को ताकत मिलेगी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी, अगर आप इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं, निस्वार्थ होकर लड़िए, जनता के लिए लड़िए। लवली शर्मा मैम जी, आपकी रिपोर्ट में दम होता है, थैंक यू लवली शर्मा जी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों की एप्रिसिएशन है जो हमें मिलती है, और हम कोशिश करते हैं उसी एप्रिसिएशन के आधार पर अच्छा करने की, बेहतर करने की, और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। खास करके मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अगर बात करें आरसपुरा बेल्ट की, अगर बात करें अरनिया की, बात करें मीरा साहब की, बात करें आरसपुरा की, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के सुचेतगढ़ की, जितनी भी जनता हमें देख रही है, हमने आपको ओपनली कहा है। हरजीत सिंह जी, नौशहरा में बहुत बारिश है, बहुत बढ़िया, तो हम उनको कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उन्हें इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिलती है, मिलती है हमारे मीडिया कर्मी वहां पे सहयोगी, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से मिलनी चाहिए। सुखबीर सिंह जी, थैंक यू सुखबीर जी। भूषण समोत्रा, अखनूर से हूँ, भूषण जी नमस्कार। तो अगर उन लोगों को कोई दिक्कत होती, आप हमें संपर्क कर सकते हैं,
पर हाँ प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ आइए। हम आपकी बात को प्रशासन तक, अगर कोई आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, हम जरूर आपकी बात को आगे रखेंगे। सोनू माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू सोनू चंद गोत्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित भगत, हमारे विलेज अल्लाह में ड्रॉप्स निकल हुई हूँ, बिल्कुल वहां पे हो रही होगी बारिश। रोहित सोडी जी, ग्रेट जर्नलिस्ट रश्मि शर्मा जी, थैंक यू रोहित सोडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका ही प्यार है, आप लोगों का, आप जो लोग इतना सम्मान देते हैं, आप लोग इतना अप्रिसिएशन करते हैं, उसी के दम पर हम कहा मैम आपको सऊदी अरबिया से देखता रहो। धन्यवाद अशरत अहमद जी, धन्यवाद अशरत जी। सऊदीया में मौसम कैसा है ये बताइएगा। छन्नी ईशर जी धन्यवाद, देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप हमें सऊदी अरबी से देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। मलेशिया से गुड मॉर्निंग, धन्यवाद भाई मेरे। प्रकाश सिंह जी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद कासिम मैडम जी, आपकी ग्रेट रिपोर्टिंग होती है। मोहम्मद कासिम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, कोई सऊदी अरब से देख रहा, कोई कहां से देख रहा, आप लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी रोमी कुमार वेरी गुड रिपोर्टिंग, थैंक यू। स्वर्ण सिंह जी मिश्रीवाला में हूँ रेन, धन्यवाद। सोफिया जंगराल, बहुत बारिश होती है, बिल्कुल सोफिया कैसी है, हमारी एक बड़ी प्यारी सी राइटर है और बड़ा कमाल का लिखती है, बहुत टैलेंटेड है हमारी ये बहन सोफिया जंगराल। और हम यही प्रार्थना करते हैं आपको ऊपर वाला इतना और हिम्मत दे और ताकत दे, आप अच्छा करें। अशरत अहमद, अशरत गर्मी है बहुत, ये सऊदीया में गर्मी है क्या बहुत? ओहो आप अशरत अहमद जी, आप जम्मू से हैं, इंडिया से कहाँ से हैं? जो सऊदीया में आप काम के लिए गए हैं, कामरान कश्मीर से, कामरान जी कैसा मौसम है वहाँ का, कश्मीर का? जो चलिए आपको थोड़ा सा अपने बाग बगीचे के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये बाग बगीचा थोड़ा सा लगाया हुआ है, अपने घरों में छोटे 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 पौधे जरूर लगाइएगा, छोटे छोटे से ही लगाए। देखिए आपसे बात करते करते सोफिया, थैंक यू मैम। सीमा दीप डोगरा, मीरा साहब में बहुत बारिश हो रही है। सीमा जी लगता है बारिश इधर भी आ गई। रविंदर रणवीर अरोड़ा जी, बहुत बारिश हो रही है उदयपुर में, बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पर भी बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखिए घरों में छोटे छोटी जगह जो मिले गमले लगाइएगा, छोटे छोटे पौधे लगाइएगा। आई मिस जम्मू से हूँ, पलोड़ा से, क्या बात है। चलिए क्या करना, काम है, जिंदगी है, काम तो करना ही है ना, वहां से ही। पर आप यहाँ, आप भी यहाँ इन टच है, यहाँ की जड़ों के साथ अपनी जुड़े हुए हैं, तो आपको अल्लाह ब्लेस यू। आकाश समोत्रा, जय माता दी मैडम जी। आकाश जी जय माता दी। रणवीर हेलो हेलो जी। सतपाल जी अखनूर में बारिश यहाँ पे भी होगी, शुक्र है। अब देखिए अभी तेज तार बारिश होने शुरू हो चुकी है, और ये देखिए छत पे ना डोरे पड़ी हुई है, और डोरों से ना ये जो गट्टू डोर का बेड़ा घर, किस गट्टू डोर ने कितने लोगों के घरों को, चिरागों को जलाया, यानी उनको खत्म किया है। और देखिए अब छतों पर भी लोग चढ़ने से डरते हैं, इतनी फंस जाए ना अगर चप्पलों में, और ये निकलती नहीं है। ये देखिए एलोवेरा, और ये हमारे संतरे, संतरे नींबू का पेड़ है। ये देखिए रणवीर कुमार डोगरा जी जीवल में नहीं है, अच्छा चलिए हमने आना है। ये देखिए ये हमें मिले थे वहाँ से फ्री में। ये है फालसा का कहते हैं, ये कचनार का है, ये आंवले का है, और आंवला बड़ा चाहिए। ये देखिए अब तेज़ बारिश आ चुकी है, अब मेरा मोबाइल भी भीग जाएगा, इसलिए तालाब तिलों में, सतपाल खजूरी है तालाब तिलों में, बहुत बोड़ी में भी हो रही है। बिल्कुल सुखदेव भगत, राम राम जी, राम राम सर सुखदेव जी, कानाचक से हूँ। बिल्कुल आप लोग बड़ी दूर दूर से हमें देखते हैं, और देखिए सऊदी अरब से भी हमें देख रहे हैं ईश्वर जी, उनका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद आप लोग जो भी। और फिलहाल ये देखिए अब बारिश ने अपनी पकड़ ली है स्पीड, ये देखिए बारिश पकड़ रही है अपनी स्पीड, तो अब हमें भी नीचे जाना होगा, क्योंकि तरनजीत सिंह धन्यवाद, गुड मॉर्निंग सर, तो अभी हमें नीचे जाना होगा। फिलहाल सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जो टू व्हीलर चलाते हैं ना खास करके, अभी भी जब तक जन्माष्टमी है तब तक लोगों को शर्म नहीं है, जो गट्टू बेचते हैं और गट्टू को सेल करते हैं और खरीदते हैं, शर्म आनी चाहिए, भगवान का डर करो कोई, क्योंकि कर्मा है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। रफीक जी भी है, भानु शर्मा जी गुड मॉर्निंग, भानु जी, बशीर नाइक गुड मॉर्निंग जी, क्योंकि कल एक परविंदर सिंह जी की जान चलेगी, बहुत तकलीफ हुई वो देख के, वो थोड़ी देर हुई उनकी शादी हुए, क्या उन्होंने बिगाड़ा था। नरेश कुमार जंगराल जी बिश्ना में भी हो रही है, बिल्कुल नरेश जी अब जम्मू में भी शुरू हो चुकी है, देखिए मेरा मोबाइल भी भीग चुका है। राजकुमार जय माता दी, जय माता दी जी, राजकुमार जी बहुत बहुत आप बड़े धन्यवाद। दीपक सिंह मनहास गुड मॉर्निंग दीपक जी, तो इसलिए रवि राजपूत है, क्या प्रोग्राम है आज का रवि, यानी किसके बारे में बताइए रवि जी, आप जरा क्लियर बताइए। प्रोग्राम तो कुछ नहीं है, काम है, काम पे सब जैसे जाते हैं वैसे ही जाते हैं, आपको क्या कौन सा प्रोग्राम चाहिए। और देखिए बारिश अब तेज हो चुकी है, अब धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब नीचे जाने वाली बात आ गई, क्योंकि यहाँ पर अब खड़े होना मुश्किल हो गया,
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ध्यान रहेगा, सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, सुरक्षित रहेगा।